स्क्रीन पर आज ये जो आप जो ब्यूटीफुल सा आई मेकअप देख रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मुश्किल है, किस तरीके से करेंगे, हमसे तो नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, तो हमेशा की तरह एक ही आंसर है कि आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैं आपके साथ बहुत ही ईजी तरीके से इस आई मेकअप को शेयर करूँगी, ये आपको बहुत ही आसानी से आप लोग इस आई मेकअप को कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट विदाउट एनी लेट वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने अपने आईब्रो को डिफाइन किया है डार्क ब्राउन कलर के साथ। आप लोग भी अगर आप चाहें तो आप लिप लाइनर से भी आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कोई महंगे प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आप लोग उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक जुगाड़ू तरीका बता दिया है। अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं और अच्छा और सस्ता आप बजट में आप बनाना चाहते हैं, तो आप अपने लिप लाइनर को डार्क ब्राउन कलर का जो होता है उसके साथ भी आप अपने आईब्रो को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने आईलिड को और डाइम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फेयर शेड के साथ अच्छी तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया है लूज पाउडर के साथ। फेयर बेस यूज़ करने का ये कारण होता है कि आप कोई भी कलर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका जो कलर है बहुत ही अच्छी तरीके से उभर के आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर अप्लाई कर लिया था, उसे अच्छी तरीके से मैंने क्रीज एरिया में ब्लेंड करने के बाद सेकंड स्टेप में मैंने थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई किया है। याद रखिए कलर आप हमेशा लाइट से डार्क की तरफ ही जाइएगा। एक छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से कलर को थोड़ा थोड़ा ले करके ही हम कलर को ब्लेंड करेंगे और उसके बाद सभी कलर को एक प्लेन ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई हार्श एजेज ना नजर आए और सभी कलर आपस में अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। बारी आती है कट क्रीज बनाना, बहुत ही आसान है। मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से शेयर किए हैं अपने पुराने वीडियोस में कि कट क्रीज किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो आप लोग भी सेम उसी तरीके से फॉलो करिएगा। आपको अगर आपकी भी आँखें अगर हुडेड है मेरी आंखों की तरह तो आप लोग भी अपने फोल्ड के जस्ट ऊपर आप लोग एक लाइन ड्रॉ करके कट क्रीज बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। और कलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना मत भूलिएगा। आपकी जो कंसीलर की क्वांटिटी है उसको हमेशा कम प्रोडक्ट में ही लेकर के ही आप लोग अप्लाई करिएगा और आउटर कॉर्नर को हमेशा ब्लेंडेबल ही रखिएगा। और जो ब्रश है आपकी हमेशा एकदम फ्लैटी होना चाहिए आप जब भी कट क्रीज बना रहे हो तो। उसके बाद मैंने यहाँ पर मिड एरिया में मैंने एक ब्लू कलर को अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं इनर कॉर्नर में यहाँ थोड़ा सा एक वाइट कलर का शिमर शेड अप्लाई कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट बार यहाँ पर अपने आँखों में इनर कॉर्नर पर मैंने यहाँ पर शिमर शेड अप्लाई किया है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आप भी इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने हमेशा अपने इनर कॉर्नर को हमेशा मैट ही रखा हुआ था अब तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने शिमर भी अप्लाई कर लिया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैं अपने क्रीज एरिया में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ सिल्वर कलर के ग्लिटर लाइनर के साथ। आप यहाँ पर गोल्डन भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप आई मेकअप का जो कलर मैंने यहाँ पर यूज किया है आप यहाँ पर अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने सभी वीडियोज़ में हमेशा बताते रहती हूँ, आप जो भी अपने ड्रेस वेयर किया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कलर को स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आँखों की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए मैंने अपने इनर कॉर्नर अपने ब्रॉ बोन को थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद अपने आईलैश को मैं अच्छी तरीके से मस्कारा लगा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने फेक आईलैश लगा लिया है। फेक आईलैश लगा लेने के बाद आप देख सकते हैं कि आँखों का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स आँखों आई मेकअप में आपका जो आईलैश होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स अगर आप कोई कितना भी खूबसूरत आई मेकअप और अगर आपने आईलैश नहीं लगाया है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड्स वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर आपको जाना नहीं है।